भारतीय जनता पार्टी से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी ने सामूहिक विवाह में पहुंचकर कहा कि आज भी न जाने कितनी ही जगहों पर बेटियों को बोझ समझा जाता है और ऐसे में गरीबी उस बोझ को और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। बढ़ती गरीबी और महिला सशक्तिकरण के बारे में रीता बहुगुणा जोशी जी ने और क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। पीएम फाउंडेशन ये प्रतिवर्ष जो सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारे देश में बेटी को एक बोझ माना जाता है और निर्धन परिवार अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करा पाते हैं क्योंकि बहुत खर्चीले हो गई हैं शादियां। लेकिन इस प्रकार का जब सामूहिक विवाह होता है तो लड़के लड़कियों को मिलाकर परिवारों को जोड़कर, कहीं लड़के का परिवार कमज़ोर है और लड़की का भी है, कहीं दोनों कमज़ोर नहीं है, फिर भी जोड़े नहीं मिलते हैं, तो परिवारों को साथ लाना और इस नेक काम को करना ये एक अत्यंत सराहनीय विषय है, कार्य है, और इसमें जात धर्म का कोई बांधा नहीं है, सबको ही निमंत्रित करते हैं। और आज के दिन 54 जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न होने जा रहा है। मैंने देखा कि फाउंडेशन द्वारा उन्हें जो सुंदर वस्तुएं भेंट में दी जा रही हैं, वर वधू दोनों को, जो इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है भोज का और महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर उत्साहवर्धन का, इसके लिए मैं जैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, खासतौर से उनके चेयरमैन श्री जेके जैन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उनके साथ जुटे हुए समाज के वे सभी लोग जो इसमें योगदान दे रहे हैं वह भी प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से भारत में इस प्रकार के कार्य, सामाजिक कार्य होते आए हैं और यही समाज को सुदृढ़ करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। मैं इन्हें अपना आशीर्वाद देती हूं और फिल्म फाउंडेशन को अपनी गुड विशेस। रीता बहुगुणा जोशी जी ने सामूहिक विवाह जैसे नेक काम करवाने के लिए फ्याम फाउंडेशन और ऑलजोन टाइम्स की सराहना की, साथ ही विवाह में उपस्थित अतिथियों को सामूहिक विवाह का उदाहरण देते हुए समाज को ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।